साबका वित्त मंत्री मनप्रीत बादल दे करीबी गनमैन तो कीती जा रही है पूछगिछ। लगातार ही मनप्रीत बादल सने करीबिया दे सर दे ऊपर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। देख रहे हो द टीवी एनआरआई मैं हां गर्मा गल कर लिए कि बीते दिन एक मामला काफी ज्यादा पकदा होया नजर आया जिस दे विच मनप्रीत बादल जेडे कि साबका वित्त मंत्री रहे ने पंजाब दे उन्हां दी गिरफ्तारी दी तलवार लटकदी हुई नजर आई। हालांकि उन्हां दे वल्लों कोर्ट दा रुख कीता गया जिस दे विच उन्हां ने अगाऊ जमानत दी पटीशन फाइल की। हालांकि कोर्ट ने उन्हां दी अगाऊ जमानत दी पटीशन रद्द कर दिती गई है। हुण मनप्रीत बादल दे गनमैन दे विजिलेंस दे रडार दे उपर ने जीएनएससी कि आमदन तो ज्यादा जायदाद होने के मामले दे विच उन्हां दे गनमैन तो पूछताछ की जा रही है क्योंकि करोड़ों रुपए दियां गड्डियां ते जमीनां उन्हां दे वल्लों खरीदियां गईयां ने पूछताछ की जा रही है जिस तों बाद यह मामला होर पकदा होया नजर आ रहा है। दस दिए कि इस दे नाल ही जिहड़ा बठिंडा दे शहर दे विच मॉडल फेस दे विच कह लिए एक मकान जिहड़ा सी व्यापारक मकान सी उसनों रिहायशी मकान दे विच बदलन नूं लैके यह मामला सामने आया सी जिस दे विच मनप्रीत बादल सने दो तो तीन होर लोग सन जिन्हां दे वल्लों इस नूं करवाउण दी कोशिश की गई धोखाधड़ी करके पंजाब के खजाने दे विच लुटन की कोशिश की गई सी। लगभग दस दिए कि पंजाब का 65 लाख रुपए के वित्तीय नुकसान पहुँचाने का यह मामला सामने आया सी। हुण दस दिए मनप्रीत बादल समेत कई नामजद किए गए सन। हुण एडीसी बिक्रम शेरगिल ने अदालत विच अगाऊ जमानत की पटीशन दायर कर दी है। अदालत इस उत्ते मंगलवार यानी 10 अक्टूबर को सुनवाई करेगी। इस तो पहला इसे केस के विच गिरफ्तार किए अमनदीप सिंह ने भी अदालत विच अपनी अगाऊ जमानत की पटीशन दायर की हुई है। इसकी सुनवाई अदालत 13 अक्टूबर को की जाएगी। उधर विजिलेंस की सख्ती तो बाद मनप्रीत बादल जल्द ही हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। दूसरे पास विजिलेंस की टीम वालों पीसीएस अधिकारी विक्रमजीत सिंह शेरगिल अते पीडीआई असिस्ट अफसर पंकज कालिया ने दिनाल मनप्रीत बादल नूं गिरफ्तारी करन दे लई वक-वक थामां उत्ते छापेमारी की जा रही है। इस तों इलावा साबका मंत्री ने करीबिया उत्ते भी विजिलेंस नजर रख रही है। मनप्रीत बादल दे गनमैन गुरतेज सिंह वालों आमदन तो वध जायदाद बनाउण दे मामले दे उपर विजिलेंस दे वालों मामला दर्ज कर लिया गया। बठिंडा दी सब तो महंगी कलोनी ग्रीन सिटी दे विच 3 करोड़ की लागत नाल बने गुरतेज सिंह दे घर उत्ते भी छापेमारी मारी गई है। वह पहला घर नूं ताला लगा फरार हो गया सी। प्राप्त जानकारी अनुसार विजिलेंस की टीम कुछ कलोनी राइजरां अते प्रॉपर्टी डीलर तो पूछताछ कर रही है। मनप्रीत बादल दे करीबी दसिया जा रहा है गुरतेज सिंह। इस नाल ही लगातार ही विजिलेंस दे रडार उत्ते ने मनप्रीत बादल दे गनमैन भी लगातार उन्हें तो पुछगिछ की जा रही है क्योंकि आमदन तो वध जायदाद के मामले दे विच उन्होंने लगातार ही पूछ पड़ताल विजिलेंस कर रही है। लगातार ही मनप्रीत बादल दे सर के उपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। उत्थे ही मनप्रीत बादल दे वकील जो है बठिंडा कोर्ट तो बाद हुण हाईकोर्ट का रुख कर सकते हैं। अगाऊ जमानत दे लई पटीशन पा सकते हैं। हालांकि पहले भी बठिंडा अदालत ने उन्होंने पटीशन रद्द कर दी सी। इस तो बाद लगातार मामला काफ़ी ज़्यादा पकता हुआ नजर आ रहा। दस दिए कि यह बठिंडा का एक फ्लैट प्लॉट से जोड़ा कि सब तो महंगी बठिंडा की कलोनी दे विच बने हुए सी जिसनों लैके यह मामला काफ़ी पकता हुआ नजर आ रहा। लगातार ही तस्वीर टीवी स्क्रीन पर चल रही ने। बीते दिन ही यह मामला सामने आया से कि अचानक ही बठिंडा दे विच छापेमारी की गई है। वह भी साबका वित्त मंत्री मनप्रीत बादल के घर मनप्रीत बादल दी जद्दी पिंड बादल दे विच भी उन्होंने छापेमारी की गई सी। जरूरी कागजात के वालों विजिलेंस वालों खंगाले गए सन जिस तों बाद लगातार मामला काफ़ी पकिया है। इस नाल ही तुहानूं यह भी दस दिए कि विजिलेंस के वालों कह लिए कि LOC यानी कि लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिता है जिस दे विच विजिलेंस नूं इह शक सी कि मनप्रीत बादल फरार ना हो जाए विदेश के एयरपोर्टा के उपर तस्वीर लगा दी गई ने जिस तो बाद हुण मामला काफ़ी ज़्यादा पकदा हुआ नजर आ रहा। मनप्रीत बादल के उपर लगातार कह लिए गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है जिस तो बाद हुण गनमैन सने बाकी दो लोगों के वालों भी हाईकोर्ट के पटीशन दर्ज करने की कोशिश की जा रही है अगाऊ जमानत दी। इस तरीके दी बड़ी ताज़ी खबरें देखने के लिए जुड़े रहो द टीवी NRI के नाल।